व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑगस्टस एजुकेशन में। मैं हूं मिस्टर माही और आज जो टॉपिक मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं वो है क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के चैप्टर में फर्स्ट, यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर में फर्स्ट, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। तो आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं। हिस्टोग्राफी का मीनिंग होता है इतिहास लिखना। इतिहास लिखने को हम बोलते हैं हिस्टोग्राफी। डेवलपमेंट इन वेस्ट का मतलब होता है कि वेस्ट मतलब पश्चिम। पश्चिम के अंदर ये जो इतिहास लिखने की परंपरा थी, इसकी शुरुआत हुई थी और विकास भी इसका वहीं से हुआ था, इसलिए इसका नाम है हिस्टोग्राफी इन वेस्ट। इस चैप्टर में मुख्य रूप से अपने को चार पॉइंट देखने मिलने वाले हैं। जो पॉइंट 1 है उसका नाम है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मतलब इतिहास लिखने की जो परंपरा थी ये जो है ये सदियों से चलती आ रही है। जो जूने लोग थे, जो पुराने जमाने के लोग थे, वो क्या करते थे, इतिहास लिखते थे। तो उनकी टेक्निक क्या होती थी, वो क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते थे, इतिहास कैसे लिखते थे, ये अपने को इस पॉइंट में देखने मिल जाता है। पॉइंट 2 जो है उसका नाम है मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी यानी आधुनिक हिस्टोग्राफी, नए नए तरीकों से अपन ने हिस्ट्री कैसे लिखी, अपन ने इतिहास कैसे लिखा, वो अपने को इस पॉइंट में देखने मिलने वाला है। पॉइंट 3 जो है वो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हमने इतिहास कैसे लिखा, वैज्ञानिक तरीके यूज करते हुए हमने इतिहास कैसे लिखा, ये अपने को पॉइंट 3 में देखने मिलने वाला है। और पॉइंट 4 जो है वो है नोटेबल स्कॉलर, जो अपने को इस चैप्टर के लास्ट में देखने मिलेगा। नोटेबल स्कॉलर यानी कुछ ऐसे इतिहासकार होके गए हैं जो कि बहुत ही स्कॉलर थे, जिनका इतिहास लिखने का और इतिहास की तरफ देखने का जो नजरिया था वो बिल्कुल ही अलग था उससे जो भविष्य के आने वाले इतिहासकार है। जो इतिहास लिखते हैं उसको इतिहासकार बोलते हैं। ओके, तो जो भविष्य के आने वाले इतिहासकार है उनको इतिहास लिखने में काफी प्रेरणा मिली, किससे, इन नोटेबल स्कॉलर से। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो हिस्ट्री लिखने की जो ये परंपरा होती है, जो ये हिस्ट्री लिखने का काम होता है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इससे मिलते जुलते, इससे रिलायबल जो क्वेश्चन है ये अपने को ढूंढना पड़ता है, इससे मिलती जुलती जो भी चीजें हैं, समझो आज अपने को कुछ चीज यहाँ मिलती है तो ये जरूरी है कि आपको दूसरी इससे मिलती जुलती चीज यही कहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे मिलती जुलती चीज कभी हमको हजारों किलोमीटर दूर मिलती है, वहां अपने को वो सबूत ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो होती है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है कि भाई जो ऑब्जेक्ट आपको मिला या फिर जिसके ऊपर आप इतिहास लिख रहे हो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी ये एक लंबी प्रोसेस होती है। हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने रहते हैं क्योंकि एक इतिहासकार को सही जानकारी इतिहास पढ़ने वाले तक पहुंचाना ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, इसलिए एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो फिजिक्स और साइंस होता है, फिजिक्स और साइंस में अपने को प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लैब होते हैं, लैबोरेटरी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट समझ लो अपन ने आज किया, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट अपने को 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में, या फिर 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद और सालों बाद अपने को एक्सपेरिमेंट वापस करना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम भी यहाँ प्रेजेंट है, वो प्रैक्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, वो फॉर्मूला यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए वो प्रैक्टिकल साइंस और फिजिक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वापस दोहरा सकते हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ऐसा लिखा गया है कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, वो जो जिंदगी है, वो जो पास्ट है, वो क्या होता है, गुजर गया होता है, वो बीत गया होता है, उसको हम वापस नहीं ला सकते, है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ अंदाज लगाना पड़ता है। इसलिए हिस्टोग्राफी इतिहास लिखना ये साइंस और फिजिक्स से बहुत ही अलग बात है, ये अपने को इस पॉइंट्स में समझाया गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें अपने को ऐसा बताया गया है कि जो भी चीज आपको मिली है, जिस चीज के ऊपर आप अपना इतिहास लिख रहे हो, सबसे पहले आपको क्या जरूरी है कि उस चीज का आपको जानकार होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के लिए हम यहाँ इनविटेशन लेंगे, इनविटेशन कार्ड जो आता है, जैसे आपको शादी में जाना रहता है या फिर कोई भी फंक्शन का इनविटेशन कार्ड आता है, तो ये जो इन्विटेशन कार्ड की प्रथा है ना, ये भी बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन हम लेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने का इन्विटेशन, यानी कि जिसको हम आमंत्रण पत्र ऐसा बोलते थे, मतलब वो जमाने के लोग आमंत्रण पत्र बोलते थे, वो कुछ इस तरह का दिखता था। तो इन्विटेशन कार्ड जो है, ये इन्विटेशन कार्ड पे तब जो भाषा चलती थी वो अगर अभी किसी इंसान को हमने बताया कि इस पे क्या लिखा है पढ़ के बताओ तो किसी को नहीं आनी, लेकिन अगर कोई जूने बुजुर्ग वगैरह या फिर जो उस भाषा का जानकार है, जिसने उस भाषा की स्टडी की, हमने उसको बताया तो आपको पढ़ के बता देगा कि वो कौन सी भाषा है, उस पे क्या लिखा हुआ है, तारीख क्या है। इन्विटेशन कार्ड रहता है तो रॉयल फैमिली को अगर आपको इन्विटेशन कार्ड भेजना है तो उसपे सादा, जैसे कलम से नहीं लिखते थे, रॉयल फैमिली को इन्विटेशन कार्ड भेजना तो उसपे सोने के तारों से लिखा जाता था या फिर जरी का काम किया जाता था, ऐसा काम जरी का काम
अपने स्कूल अगर लड़कियों को देख रहे होंगे तो उसको पता होगा कि जेरिका और कैसे देखा मोहर क्या होता है। इस तरह से वो इन्विटेशन कार्ड बनाया जाता था, उसमें आखिरी का मोहर लगाई जाती थी। मोहर यानी आज के जमाने में लोगो समझ लो, जैसे कि अपने वीडियो पे अपना ऑगस्टस एजुकेशन का लोगो है, अपना लोगो है मतलब आपको पता है कि ये वीडियो किसका है, माही सर का है। ओके, तो इस प्रकार से इनविटेशन कार्ड है। तो इसका मेरे को सबसे पहले क्या जरूरी है, इसका सबसे पहले मेरे को सही जानकार जरूरी है जो इस पे लिखी हुई चीज मेरे को बताएगा, इस पे लिखा हुआ मेरे को एक्सप्लेन करके देगा। अगर मैं एक इतिहासकार हूं, मैं इस पे लिखा हुआ लेकर गया, इसमें मराठी में लिखा हुआ है और महाराष्ट्र को छोड़ के मैं इसको लेकर गया हरियाणा के अंदर, तो क्या बोलेगा, ओपा जी मैं तो ना कद्दी मराठी सुनिया सी ना मैं कद्दी मराठी बोलिया सी, तो इस पे जो लिखा है वो उसको नहीं समझना। मैं हरियाणा छोड़ के उसको लेकर गया बंगाल, तो बंगाल में उड़ी बाबा की बोल छो अमा के मराठी ना आवे, तो भाई उसको भी आने वाला नहीं है क्योंकि वो मराठी महाराष्ट्र के है ही नहीं। तो मेरे को ये सर्च क्या करना पड़ेगा कि इस पे क्या लिखा है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि ये कहा था आमंत्रण पत्र है महाराष्ट्र का, तो इसका सबसे पहले जो जानकार है ये होना बहुत जरूरी है। तो जानकार मेरे को मराठी में लिखे वो आमंत्रण पत्र के महाराष्ट्र में ही मिलेंगे। जानकार यानी इस पे कौन सी स्क्रिप्ट लिखी है, इस पे तारीख वगैरह, इस सब चीजों का जानकार, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बुक में आपको ग्रीन कलर का एक चार्ट बताया है नीचे जिसका नाम है हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब हिस्ट्री कैसे हिस्ट्री की रिसर्च कर जाते हैं, इसमें टोटल 6 पॉइंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें अपने को बताया गया है कि जो आपको हिस्ट्री का आप जिसके बारे में हिस्ट्री लिख रहे हो उसको बारीकी से पहले देखे और उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है, मतलब उससे मिलते जुलते जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है सबसे पहले कलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है, कलेक्टिंग द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इतिहास आपका कब बदला, वो इतिहास कैसे बदला। जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पे लेंगे नोटबंदी, ठीक है। नोटबंदी का अपन सबको पता है, अपने लेटेस्ट एग्जांपल अभी 2-3 साल पहले का 2017 के पहले जो नोट थी 1000 की 500 की कैसे चलती थी, एकदम धूम से चलती थी। अगर किसी को 1000 के नोट दे दी तो खुश हो जाता था, लेकिन अगर वो नोट अभी आप किसी को दो तो क्या कर लेगा, मुंह उतार लेगा, क्योंकि वो चलती क्या नहीं चलती। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इतिहास बनाना है, समझो आपको नोट मतलब जो पहले के नोट रहते थे 1000-500 के, उस पर अगर आपको इतिहास बनाना है तो आप क्या लिखोगे कि ये पहले चलती थी बाद में बंद हुई, क्यों बंद हुई, क्या इसका रीजन था, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि ये कैसे बदला इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखा है कि जो रेफरेंस अपने को मिले उसको लैंग्वेज लगाना है कि कौन सा जुना है आपका जुना है, तो आपका सबसे पहले आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर उनसे जुना मतलब उनके पिताजी, और उनसे जुना मतलब उनके दादाजी, और उनसे आगे का लिखना है तो उनके पुत्र का नाम, है ना। तो ऐसे उनकी प्रणाली आगे अपने को लिखनी है ना, ऐसे अपने को क्वेश्चन लैंग्वेज लगाने। देन आगे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मतलब अपने को अनुमान लगाना है कि कौन सी चीज ज्यादा जुनी है फिर ये, या फिर अपन ज्यादा जुनी है, फिर अपने को कोई थिंग मिली है मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में, तो ये उस जमाने में कैसे बनाया गया होगा, ये अनुमान लगाना है। एग्जांपल के लिए अजिंठा केव्स अपन लेंगे, चलो यहाँ से पास ही में अजिंठा केव्स, यानी वहां पे जो पेंटिंग्स करी गई है वो उस जमाने में कैसी करी गई, तो अपन ने अनुमान लगाया कि तब सीमेंट तो था नहीं और कलर्स भी थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारा एक लिंक डाल दूंगा अगस्त एजुकेशन की एजुकेशनल ट्रिप गई थी अजिंठा, तो वहां पे उन्होंने सब बताया था कि उन्होंने पेंटिंग क्या की, कैसे की, वहां पे कलर्स कैसे अवेलेबल किए, तो सब अपने को आपको उस वीडियो में देखने मिल जाएगा। उन्होंने जो कलर्स किए थे, जो प्लास्टर का काम किया था उसके लिए उन्होंने दही शहद और कलर के लिए फ्रूट और वेजिटेबल्स के नेचुरल कलर जो रहते हैं इससे उन्होंने कलर किया था, जो आज तक जैसे का वैसा है, बदला इतना सभी बदला नहीं है। तो इस तरीके से अपने को अंदाज लगाने की वो उस जमाने में उन्होंने कैसे किया होगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि उस पर क्रिटिकल एग्जामिन, उस पर बारीकी से अपने को क्या करनी है, उस पर अपने को जांच करनी है कि भाई ये जो सब चीजें मैंने लाइनवाइज लगाई क्या एकदम बराबर लगाई है, क्या जो मैंने अनुमान लगाया है मैंने बराबर लगाया है, एकदम क्रिटिकली अपने को उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो कुछ ऐसा है कि उसमें अपने को ऐसा बताया गया है कि इतिहासकार जो है उनके लिए कुछ डिसिप्लिन या फिर कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती है, जैसे उनका नाम है आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, इस प्रकार की है। तो इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी का मतलब ऐसा होता है कि जो प्राचीन वस्तु है आर्कियोलॉजी, अगर आपने आपको 6th-7th स्टैंडर्ड में हड़प्पा नाम पे चैप्टर होगा, हड़प्पा में आपको बताया गया है कि वो जो गांव था वो पूरा का पूरा गांव, उसमें गटर, कुएं, सीढ़ियां, ये सब मिली थी, जो जो प्राचीन चीज है इसका अभ्यास, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। देन जो सेकंड नंबर का है उसका नाम है आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस है रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रूम। इमेज में आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा, रिकॉर्ड रूम जिसमें सारे रिकॉर्ड रहते हैं, जो जूनी प्राचीन चीजें है ना उसके रिकॉर्ड रहते हैं। कई बार ये आर्काइवल रूम म्यूजियम में भी होते हैं, कई बार सरकारों के पास भी होते हैं, तो यहाँ से उन जो रिकॉर्ड ढूंढने रहते हैं, जो अपने को रेफरेंस क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सी मदद अपने को आर्काइवल साइंस से मिल जाती है।
जो नेक्स्ट वन है उसका नाम है मैनुस्क्रिप्टोलॉजी, यानी हस्त से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। इंसान जो हाथ से लिखता है, उस जमाने में जो उससे हाथ से, जैसे अपन ने पहले लिया था कि भाई आमंत्रण पत्र उस पे हाथ से लिखा जाता था, तो उसके बारे में स्टडी, वो लैंग्वेज के बारे में स्टडी। देन उसके बाद जो है वो है एपिग्राफी। एपिग्राफी यानी पुरातत्व, यानी उसका नाम भी एक प्रकार का आर्काइवल है, पर वो हाथ से लिखे हुए आर्काइवल रहते, मतलब हाथ से लिखे हुए जो रिकॉर्ड रहते हैं उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। देन जो नेक्स्ट है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग, यानी अक्षर किस प्रकार के अक्षर है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आप में से कोई टाइपराइटर की जानकारी रखता हो तो उसको देवगिरी श्रीलिपि ये सब पता होगी। तो इसी प्रकार से प्राचीन भाषा भी, संस्कृत भाषा में भी कई प्रकार के अक्षर आते थे, तो वो अक्षर की जानकारी। देन आता है लैंग्विस्टिक, मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा। जैसे मैंने भी बताया कि मैं यहाँ से अगर पंजाब में चला जाऊँ मराठी का लेके, तो उनको पता है क्या? नहीं। लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा बंदा है जो महाराष्ट्र की भाषा जानता है, बंगाल में कोई ऐसा बंदा है जो इस प्रकार की भाषा जानता है, या फिर वो सातों प्रकार की भाषा जानता है, हर प्रकार की भाषा जानता है, तो मेरे को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो ऐसे लैंग्वेस्टिक यानी भाषा का ज्ञान। न्यूमिस्मेटिक यानी नाणक शास्त्र, मतलब जो पैसों का ज्ञान आता था, तब जो थे ना अपने हजार के नोट 500 के नोट नहीं चलती थी पहले, जो थे नाणक शास्त्र नाणे चलते थे, जिसपे उसके राजा महाराजा का तब नाणक पे फोटो आया करता था, उसको हम बोलते हैं नाणक शास्त्र। ज्ञानोलॉजी, ज्ञानोलॉजी यानी वंशवाणी, मतलब ये राजा का वंश तब था, इसकी शुरुआत तब से हुई थी, बाद में ये राजा गद्दी पे बैठा, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे ने ये युद्ध किया, फिर उसके बेटे के चार बेटे थे, फिर राज्य चार बेटों में बटा, ऐसे जो वंशवाणी का अभ्यास रहता है उसमें बोलते हैं ज्ञानोलॉजी। ठीक है, तो अब शुरू हो रहा है पॉइंट 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंद, जिसमें सबसे पहले अपने को ये बताया गया है, कि भाई हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, क्या क्या अपने को चीजें होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट अपने पास होने चाहिए, क्या क्या जानकारी अपने को होनी चाहिए जब अपने इतिहासकार बन सकते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ लिख सकते हैं, ये अपने को उस पॉइंट में देखने मिला। लेकिन अब आगे के पॉइंट में क्या जैसे कहा जा रहा है कि जो एक इतिहासकार रहता है वो जब अपना नैरेटिव लिखता है ना एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, कोई इतिहासकार कोई किसी चीज के बारे में इतिहास लिख रहा है उसको हम बोलते हैं नैरेटिव। जब एक इतिहासकार नैरेटिव लिख रहा है तो वो उतनी ही जानकारी आप तक पहुंचाएगा जितनी कि वो पहुंचाना चाहता है, वो सब कुछ अपने तक नहीं पहुंचा सकता। एग्जांपल के लिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जांपल लेंगे कि अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपने को इतिहास बता रहा है तो वो उनकी कुछ जानकारी अपने साथ शेयर करेगा, सब कुछ नहीं। जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ वो शेयर कर देगा, शिवनेरी किले पे हुआ, उसके बाद में बड़े कहाँ हुए ये अपने को बता देगा, उन्होंने युद्ध कहाँ कहाँ किया ये वो अपने को बता देगा, उनके दोस्त कौन कौन थे ये दो चार बातें अपने को बता देगा, शादी किन से ये अपने को बता देगा, लेकिन उनके पूरे जीवन की पूर्ण आयुष्य की जो जो बातें हैं, जो उन्होंने रोज की, उन्होंने करोड़ों हजारों दोस्त बनाए होंगे सबके नाम, वो अपने तक नहीं पहुंच सकता और ये उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए नैरेटिव में वो उतने ही चीजें अपने को बता सकता है जितनी कि वो अपने को बताना चाहता है या फिर जितने की इन्फॉर्मेशन उसके पास में है। देन अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखा है अपने पास में, नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसा लिखा गया है कि जो जूने जमाने के लोग थे तब तो कोई इतिहासकार था नहीं, मतलब तब कोई ऐसा नैरेटिव लिखता नहीं था, तो क्या हम इसका मतलब ये समझे कि उस जमाने के लोगों को इतिहास लिखने में या फिर इतिहास बताने में कोई रुचि नहीं थी? नहीं, दैट्स टोटली रॉन्ग। मतलब वो जो लोग थे वो इतिहास आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे। कैसे पहुंचाना चाहते थे? तो उनके कुछ तरीके थे। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अजिंठा केव्स का एग्जांपल दिया, अजिंठा केव्स में उन्होंने जो कलर्स लिए हैं वो वेजिटेबल्स कलर्स, फूड कलर, यानी जो नेचुरल कलर वो यूज किए, क्योंकि तब कोई ना क्रेयॉन था ना वाटर कलर था ना ऑयल पेंट था। ठीक है, तो उन्होंने जो कलर यूज किए वो नेचुरल कलर्स यूज किए हैं, ऐसी पेंटिंग करके। तब उनको ना इंग्लिश आती थी, ना फ्रेंच आती थी, ना जर्मन भाषा आती थी, ना मराठी, ना हिंदी, तो वो लिखते भी कैसे? तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पेंटिंग के द्वारा वो कैसी लाइफ जी रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया। एक पेंटिंग में बताया जाता है कि ये राजा इस प्रकार की सजा दे रहा है, तो भाई इस प्रकार की पढ़ने वाला है, फिर वो पेंटिंग देखने वाला समझ जाएगा कि पहले के जमाने में इस प्रकार की सजा हुआ करती थी। अगर आपने मम्मी रिटर्न पिक्चर्स देखी होगी, तो मम्मी रिटर्न पिक्चर में बताया गया कि वो जो मम्मीज होते थे उनके ताबूत के ऊपर वो पेंटिंग्स वाली भाषा होती थी, जिसपे लिखा जाता था पेंटिंग्स के लिए, ये जो अंदर मम्मी है इसकी, उसकी जवान काट देते थे, जवान काटने के बाद में उसके पूरे बॉडी को कॉटन से रैप करके ताबूत के अंदर रख देते थे जिंदा, उसकी जवान काट दी, मतलब वो चिल्ला भी नहीं सकता, और उसके ऊपर जो मांस खाने वाले कीड़े हैं वो छोड़ दिए जाते थे। इतनी खतरनाक सजा उनके जमाने में होती थी, ऐसा उस मूवी के अंदर बताया है। तो अगर आप किसी बच्चों ने वो मूवी देखी तो आपको लगेज वो विजन आपके आंखों के सामने आया होगा कि उसमें भी कैसी पेंटिंग्स वाली जो लैंग्वेज है वो बताई गई है।
तो इस प्रकार से जो लोग थे वो सिर्फ पेंटिंग ही करते थे क्या नहीं, एंटरटेन के लिए वो क्या किया करते थे, अभी हम एंटरटेन के लिए पिक्चर में जाते हैं, आईनॉक्स में जाते हैं, पीवीआर में जाते हैं, फिर नेटफ्लिक्स खोल के चिल मारते, वो लोग पिक्चर नहीं देखते थे क्या भाई? जरूर देखते थे, लेकिन उनका पिक्चर देखने का तरीका जो था वो कुछ यूनिक रहता था जो आज अपने को कहीं देखने नहीं मिलने वाला। उनका एक चौक पकड़ लो, स्क्वायर पकड़ लो, जहाँ पे सब जो पूरा छोटा सा गांव हुआ करता था, जहाँ पे वो सब जमा हो जाया करते थे, फिर शाम के टाइम या फिर रात के टाइम, हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार वहां पे ड्रामा होता था। वो ड्रामे को देख के वो क्या करते थे, एंजॉय करते थे, है ना। जैसे अभी के एग्जांपल के लिए हम रामलीला लेंगे, रामलीला, रामलीला के लिए क्या होता है, पूरा जो गांव रहता है इकट्ठा हो जाता है, एक आदमी राम बनता है, तो एक आदमी सीता बनता है, तो एक आदमी लक्ष्मण बन जाता है, तो कोई वहीं से 10 सिर लगा के रावण बन जाता है। रामलीला वाले आते हैं ना, आपके आते हैं क्या पता, हमारे यहाँ आते हैं दशहरे वाले दिन, तो सब अपने को रामचरित्र करके बताते गए भगवान प्रभु श्री राम जो थे वो कैसे थे, उनको वनवास हुआ था तब वो कैसे थे, उन्होंने कैसे राजपाट का त्याग किया, कैसे जब सीता माँ को रावण उठा के ले गया तो फिर उन्होंने कैसे रावण का वध करके सीता मैया को वापस छुड़ा के लाया, कैसे सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी, ये सब अपने को क्या करते हैं, ड्रामा करके बताते हैं। ये क्यों ड्रामा करके बताते हैं, ताकि अपने को याद रहे कि हमारे जो भगवान थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने भी पिछले जमाने में ऐसी ऐसी लाइफ जी है, ये अपने को याद रहे, ये अपने को स्मरण रहे। अभी लॉकडाउन चालू हुई, टीवी पे भी रामायण महाभारत आ रही, तो शायद आपने देखी भी होगी। तो इसी प्रकार वो क्या करते थे, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, ड्रामा, इस प्रकार से वो एंजॉय भी क्या करते थे, और अपना इतिहास दूसरे लोगों तक, मतलब आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए भी करते थे। ध्यान है पॉइंट नंबर 1.2, मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। पर ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी स्टार्ट करने से पहले अपने को 1.2 के बाजू में एक इमेज दी है, जो कि शिलालेख है। शिलालेख यानी पत्थर पे लिखा हुआ लेख। इस शिलालेख पे अपने को बताया कि सेनानी यानी सुमेर राज्य का राजा था, मतलब उसके राज्य का ये शिलालेख है। तब से शिलालेख की प्रथा चालू हुई थी, इससे पहले शिलालेख की प्रथा नहीं थी, यहां से चालू हुई ऐसा अनुमान लगाया है। ये कब की है, 4500 BC, मतलब 4500 बिफोर कॉमन इरा, बीसी की बिफोर कॉमन इरा, मतलब इतने हजारों साल ये पुरानी है। इस पे लिखा गया है कि एक राजा है, वो युद्ध पे जा रहा है, युद्ध पे जाने से पहले उसने एक शिलालेख बनाया था, और उसकी जो सेना है वो उसके पीछे कैसे खड़ी है, सपोर्ट में खड़ी है। और कैसे खड़ी है, बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन में खड़ी है, वो ऐसा एक सैनिक बाहर है, एक ऐसा अंदर है, जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे प्रेयर के टाइम में, है ना, एक बच्चे इधर होता था, एक उधर रहता था, फिर सर आते थे हमको लाइन में लगाते थे, ऐसा नहीं। इसकी जो पूरी सेना खड़ी है, जो हजारों लोग में है सेना, वो कैसी है, पूरी डिसिप्लिन में एक लाइन के अंदर खड़ी है। तो ऐसा इस शिलालेख पे, सुमेर राज्य की शिलालेख है, जो कि 4500 बिफोर कॉमन इरा की है, जो अभी इस वक्त लॉर्ड म्यूजियम के अंदर है, ये अपने को इसमें बताया है। तो अब अपन जाएंगे पॉइंट नंबर 1.2, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, जिसके मेन 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, उसका मतलब ऐसा है कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब उस दौर के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है उस दौर के क्वेश्चन सिलेक्ट करने से होती है। जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, उसका मतलब ऐसा है कि जब इनको ये क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए शिला लेख लेंगे, तो ये ऐसा ही अनुमान लगाते हैं कि ये शिलालेख इंसान ने बनाया होगा, या फिर उस जमाने के राजा महाराजा ने बनवाया होगा। ये ऐसा अनुमान कभी नहीं लगाते कि ये जो शिलालेख है ये भूत ने बनाया होगा, या फिर भगवान आके बना के गए होंगे, ऐसा ही अनुमान नहीं लगाते। ये मानव केंद्रित ही उसको माना जाता है कि ये जो चीजें बनाई है ये इंसान ने बनाई है। जो इतिहास लिखा गया है, ये इंसानों द्वारा लिखा गया है, जो पेंटिंग है ये इंसान ने बनी है, किसी भगवान ने भूत ने आके नहीं बनाई। ओके, तो थर्ड नंबर का पॉइंट है, वो थर्ड नंबर के पॉइंट में ये ऐसा बताते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से मिले जुले जो पुरावे हैं, जो दस्तावेज हमको मिले हैं, वो दस्तावेज के बेसिस पे इनको आगे लिखा जाता है। वो दस्तावेज के बेसिस पे अपने को ये पता चलता है कि कितने सच है कितने झूठे, बस वो एकमात्र ही ऐसा रास्ता है जिसके वजह से अपने को पता चलता है कि कितना पुराना है, कब लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, पुरावे के वजह से, यानी जो सबूत मिलते हैं उनके वजह से। एंड जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, फोर्थ नंबर के पॉइंट में अपने को ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से इंसान की आंखों के सामने एक बिल्कुल ऐसा ग्राफ तैयार हो जाता है कि जो पिछली जिंदगी थी, जो प्राचीन जिंदगी थी, जो भूतकाल था वो इस प्रकार का था, और जो प्रेजेंट है वो इस प्रकार का है, जो उस जमाने के लोग थे वो इस प्रकार से जिया करते थे, और हम अपनी लाइफ इस प्रकार से जीते हैं। तो ये एग्जाम्पल अपने सामने क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 1.3, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। अब यहाँ पे ऐसा बताया कि जो 18th century तक फिजिक्स और साइंस को लेकर यूरोप में बहुत सारी फैसिलिटीज थी, बहुत सारी तरक्की हो गई थी, लेकिन हिस्ट्री को लेकर नहीं थी।
तो कुछ जो स्कॉलर बच्चे थे, कुछ जो नोटेबल स्कॉलर, जो भी इसमें भी अपने को आगे फोटो बताया गया, तो ऐसे जो कुछ जो स्कॉलर थे उनका ऐसा मानना था कि हम अगर साइंस की मदद ले तो साइंस की मदद से हम हिस्ट्री के अंदर भी एक अलग ही लेवल तक पहुंच सकते हैं, एक अलग ही स्टेज तक हम जा सकते हैं साइंस की मदद के साथ में। तो उनके विचारों से 1737 कॉमन एरा, 1737 कॉमन एरा में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मन के अंदर एस्टेब्लिश हुई। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी कहां एस्टेब्लिश हुई? जर्मन, जिसमें हिस्ट्री के लिए एक अलग सेक्शन था, एक अलग डिपार्टमेंट था। जैसे अभी डिपार्टमेंट होता है ना, आर्ट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, कॉमर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, साइंस के लिए अलग डिपार्टमेंट, ऐसे गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी 1737 में जहां हिस्ट्री के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। बाद में फिर जर्मनी में ऐसे फिर आगे यूनिवर्सिटियां या फिर हिस्ट्री के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ते गए, बढ़ाए गए। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है पॉइंट नंबर फोर्थ, 1.4, जिसका नाम है नोटेबल स्कॉलर। 1.4 का जो फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें अपने को यह बताया गया है कि ऐसे कई नोटेबल स्कॉलर है इतिहास में जो कि हमारे लिए प्रेरणादायी है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ का नाम इस चैप्टर में अपने को बताया गया है। जो सबसे पहला है नाम, उनका नाम है रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट 1596 के अंदर हुए थे और इनकी मृत्यु जो थी वो हुई थी 1650 के अंदर। रेने डिकार्ट का मानना ऐसा था कि जब तक हमको किसी भी चीज की असलियत पता ना चल जाए, सच्चाई पता ना चल जाए, तब तक कि हमको उस चीज के बारे में छापना नहीं चाहिए, तब तक कि उसको सत्य मानना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी के बारे में इतिहास लिख रहे हो, अगर आप उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें लिख रहे हो, और अगर आपको सिर्फ किसी ने बोला या फिर आपने कहीं पे पढ़ लिया कि वो चीज अच्छी नहीं बुरी थी, और अगर आपने वो छाप दिया बिना जांच पड़ताल किए, तो भाई आप गलत हो, ऐसा रेने डिकार्ट बोलते थे कि भाई अगर आपने पढ़ा है वो गलत है तो पहले उसके खिलाफ सबूत ढूंढो कि वो गलत है, सही में गलत है, सही में गलत है, उसका सबूत उसके साथ अटैच करो कि वो गलत क्यों है, फिर उस चीज के बारे में आप छापो। पूरी जानकारी को एक्सेप्ट किए बिना कभी भी उसके बारे में छापना नहीं चाहिए, ऐसा रेने डिकार्ट का मानना था। बहुत अच्छा मानना था, बहुत अच्छी प्रेरणा इनसे आगे वाले स्टूडेंट को मिलती है। जो सेकंड नाम है वो था वोल्टेयर। वोल्टेयर का जन्म हुआ था 1694 के अंदर और 1778 में उनकी मृत्यु हुई। वोल्टेयर का मानना ऐसा था कि सिर्फ अपने को इतिहास जो है वो लोगों के बारे में नहीं लिखना चाहिए, उनके ट्रेडिशन जो है, उनका एग्रीकल्चर जो, उनकी इकोनॉमी जो है, इनके बारे में भी अपने को लिखना चाहिए, ऐसा इनका वोल्टेयर का मानना था। और जो वोल्टेयर है इनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मैरी ओरियट। फ्रैंकोइस मैरी ओरियट हसन ही भाई ऐसा नाम था, फ्रेंच में ऐसे नाम हुआ करते थे। ठीक है, देन अब जो थर्ड नंबर के अपने को इतिहासकार बताए हैं, उनका नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। काफी लंबा चौड़ा नाम मालूम होता है, भाई आदमी भी काफी तगड़ा है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1770 में और मृत्यु हुई थी 1831 में, तो करीब 61 साल की इनकी उम्र रही थी। हेगल जो थे, इनका मानना ऐसा था कि हमको हर चीज के दो पहलू देखने चाहिए, भाई असली नकली, अच्छा बुरा। ठीक है, मतलब सिर्फ अच्छाई 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 नहीं लिखने चाहिए, अपने को ये लिखनी चाहिए थोड़ी सी बुरी बातें भी लिखनी चाहिए। उसने सिर्फ अच्छे अच्छे काम किए, अगर आप वो लिखोगे तो वो तो जनता का हीरो बन जाएगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी उसके अपन ऐसा मन से नहीं डालना है कि खराब था, उसके बारे में अपने को क्या करना है, सबूत इकट्ठा करना है कि उसकी एक डार्क साइड भी है, वो डार्क साइड के बारे में अपने को लिखना। तो ऐसे अपने को अच्छा भी लिखना चाहिए, उसके बारे में पूरा भी लिखना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है मतलब जो पढ़ने वाले हैं, इतिहास पढ़ने वाले हैं, उन तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऐसा जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का मानना था, और बहुत अच्छा मानना था। काफी प्रेरणा मिलती है इनसे आगे वाले इतिहासकारों को। और जो नेक्स्ट है उनका नाम है लियोपोल्ड वॉन रानके। लियोपोल्ड वॉन रानके जो थे, उनका जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु जो थी वो हुई 1886 के अंदर। जो रानके थे, इनका मानना ऐसा था कि हमें इतिहास तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक कि हमारे पास जो सबूत है वो बिल्कुल पक्के ना हो, और हमें सबूत बिल्कुल जो ओरिजिनल वाले हैं सिर्फ उन पे भरोसा करना चाहिए। जो बनाए गए सबूत है, जो अंदाजा लगाया गया है, उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो ओरिजिनल सबूत है सिर्फ उस पे ही हमको भरोसा करना चाहिए, और वो ही फिर अपने को आगे क्या करना चाहिए, इतिहास वो नैरेटिव अपने को छापना चाहिए, अदरवाइज अपने को नहीं छापना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने दो किताबें लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड वन द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो अपने को देखने मिलने वाले उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो इनका जन्म 1818 में हुआ और इनकी जो मृत्यु वो हुई 1883 में।
कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री सिर्फ अपने को इंसान के बारे में नहीं लिखनी चाहिए, उस इंसान के जिंदगी के बारे में भी लिखनी चाहिए कि तब उसकी जिंदगी कैसे हुआ करती थी। वो गुलाम हुआ करता था, फिर उसको गुलामी कैसे भुगतनी पड़ती थी, वो गुलामी उसको भुगतने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते थे, कैसे उसको सजा मिली जाती थी, या फिर तब की खेती, तब का एग्रीकल्चर, ये सब बारे में अपने को लिखना चाहिए और हिस्ट्री में इन सब चीजों को भी बताना चाहिए ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस चीज की क्या रहे, जानकार रहे कि ऐसे पिछले जमाने में सजा मिली जाती थी और ऐसी जिंदगी उस जमाने में एक दास की हुआ करती थी। इसके ऊपर कार्ल मार्क्स का एक ग्रंथ भी है, उसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है, अब आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट हमने को देखने वाला है वो एनल स्कूल के बारे में। एनल स्कूल जो है ये फ्रेंच के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। एनल स्कूल जब एस्टेब्लिश हुई उसके बाद में इतिहासकारों, मतलब इतिहास को तो एक अलग ही डायरेक्शन मिल गया समझो। एनल स्कूल में ऐसा बताया गया कि हमको राजा, पॉलिटिशियन या फिर जो पॉलिटिकल मूवमेंट थे इसे भी इनके बारे में नहीं लिखना चाहिए, हमको लिविंग पीपल के बारे में लिखना चाहिए, हमको उनके एग्रीकल्चर के बारे में लिखना चाहिए, वो लोग कैसी जिंदगी जीते थे इसके बारे में लिखना चाहिए, किस प्रकार के तब हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, किस प्रकार की दवाइयां यूज करते थे, वो सब हमको लिखना चाहिए। ये सब एनल स्कूल में फिर उनको सिखाया गया इनको जो इतिहासकार बनना चाहते थे उनको। ठीक है, तो इस एनल स्कूल से इतिहासकारों को एक अलग ही डायरेक्शन मिला क्योंकि उनको नॉलेज मिल गया ना कि क्या क्या हमको लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है फैमिली हिस्टोग्राफी। फैमिली हिस्टोग्राफी यानी वुमेन्स हिस्टोग्राफी, स्त्री की हिस्टोग्राफी, महिला की हिस्टोग्राफी, महिला के बारे में लिखी हुई हिस्ट्री। अब ये कार्य किसने चालू किया था, सिमियन द ब्यूरियर, ये एक फ्रेंच महिला थी, ये फ्रेंच नाम है, एक फ्रेंच महिला थी जिन्होंने ये कार्य चालू किया था। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखना चालू किया था कि महिलाओं ने पहले कैसे कामगार संगठन में काम किया, वो कैसे काम करती थी पहले, और पहले उनपे कैसे अत्याचार हुआ करते थे, जैसे पहले सती प्रथा हुआ करती थी हमारे इंडिया में, ऐसे वहां भी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुआ करते थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा गया। उनके बारे में लिखने के बाद में कि भाई उन्होंने कंपनी में कैसे काम किया, देन वो उनकी डेली लाइफ कैसे संभाला करती थी, महिलाओं के बारे में उन्होंने हर हिस्ट्री जो पॉसिबल हिस्ट्री ये लिखी। और हिस्ट्री से, हिस्ट्री पढ़ने के बाद में हमको ये पता चलता है कि महिला जो थी ये पूरी तरह 1990 के बाद में इनको इंडिपेंडेंस मिला। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे चैप्टर में वो है माइकल फोकाइन के बारे में, जो 1926 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1984 में। माइकल फोकाइन जो थे इनका मानना ऐसा था कि जो हम हिस्ट्री लिखते हैं, जो रेफरेंस क्वेश्चन और जो रिलेवेंट टाइप से जो हम हिस्ट्री लिखते हैं लाइन वाइज, ये एक गलत तरीका है हिस्ट्री लिखने का। हमको हिस्ट्री लिखनी चाहिए कि भाई ये ऐसा इतिहास जो बदला, ये इतिहास क्यों बदला, इसके तय तक, इसकी जड़ तक अपने को जाना चाहिए। और हमको इतिहास से उनके बारे में नहीं लिखना चाहिए, हमको इतिहास लिखना चाहिए मतलब इन्होंने जिस चीजों के बारे में इतिहास लिखा वो चीजें कुछ ऐसी थी क्या, जो मेडिकल है, जो डॉक्टर्स है, जो साइंस है, वो उस जमाने में कैसे हुआ करता था, उस जमाने में लोग बीमार थे तो फिर वो किस प्रकार से औषधि बनाया करते थे, किस प्रकार से उस बीमारी का इलाज किया करते थे, किसी का पेट टूट गया तो वो कैसे सुधारा करते थे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो बाहुबली में वो बताता है कि जो महिला है वो महिला नदी पे पानी भरने जाती है, लेकिन बाहुबली एक प्रकार की ऐसी टेक्निक लगाता है कि भाई पानी जो था वो पानी ऑटोमेटिकली वो नारियल का झाड़ देता है, वो एक इंजीनियरिंग करता है उस जमाने की। नारियल का झाड़ रस्सी से सब लोग खींचते हैं और जो नाव रहती है बड़ी सी पानी की वो पानी में जाती है और जैसे वो रस्सी यहाँ से छोड़ देते हैं वैसे वो नाव यहाँ से आगे एक बड़ा सा उन्होंने टंका बनाया हुआ रहता है, उसमें पानी का रहता है, यहाँ पे आके भरा जाता है, तो जो महिला का इतने दूर जाने का और आने का चक्कर है वो बच जाता है। तो इस प्रकार की इंजीनियरिंग जो है ना ये प्राचीन लोग किया करते थे, तो इस प्रकार की इंजीनियरिंग वो लोग किया करते थे, ऐसे उनकी इंजीनियरिंग, उसकी डॉक्टरी, उनका साइंस, ये सब अपने को बताना चाहिए, ऐसा माइकल फॉल्ट का मानना था। जो बुक लिखी थी उनका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसमें ये सब लिखा गया। अब जो लास्ट पॉइंट है चैप्टर का उसमें अपने को ऐसा बताया गया कि जो हिस्ट्री है वो अपने को आगे डांस, ड्रामा, टेलीविजन, टीवी, फिल्म, मूवी, इनके द्वारा अपने को अलग अलग तरीकों से बताई जाती है। और आज अपन पिक्चर में जाते हैं और देखते हैं, रिसेंटली लॉकडाउन से पहले हमने क्या देखी थी, तानाजी मूवी देखी थी। ठीक है ना, तो ये मूवी से हमको सीधा वो विजन जो वो अपने आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं उस टाइम पे जो युद्ध हुआ होगा वो किस प्रकार से हुआ होगा, वो सब अपन वहां पे देख सकते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं वो लोगों ने जो जिंदगी जी है बहुत ही कठिन जिंदगी जी है और हमको आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं बहुत ही हम सहज वे में जी रहे हैं। अब कुछ हार्ड वर्ड्स है जिनके मीनिंग्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको लर्निंग में बहुत ही मदद मिलेगी, दिक्कत नहीं जाएगी। चैप्टर रीड करोगे तब आपको वैसे तो पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप सो। तो
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें।